हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। आज हम लोग क्लास टेंथ के एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 को ऐसे समझते हैं, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए। टेंजेंट मतलब स्पर्श रेखा की लंबाई जो है किसी बिंदु से, उस बिंदु का नाम ए है, एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर की दूरी है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल, सर्किल के सेंटर से, एंड इज 4 सेंटीमीटर, और टेंजेंट जो मैंने खींचा है उस टेंजेंट के कॉन्टेक्ट पॉइंट से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल, तो हमें सर्किल का रेडियस फाइंड करना है। तो इस तरह से हम एक इसका फिगर बनाते हैं। सबसे पहले ऐसे मैंने एक सर्किल खींच लिया, इसका सेंटर ओ है। अब इस सेंटर सर्किल से अब हमें एक टेंजेंट लाइन खींचनी है, ये टेंजेंट मैंने खींच दिया। ये पॉइंट को मैंने मान लिया ये पॉइंट ए है, इस पॉइंट ए है और इसका सेंटर ओ है, क्योंकि हम कहा गया है क्वेश्चन में सेंटर ओ पॉइंट ए से इस सर्किल का जो डिस्टेंस है ये 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है और 4 सेंटीमीटर है, ये कांटेक्ट पॉइंट हमारा है, मान ली इसको मैंने मान लिया, इसको मान लेता हूँ मैं बी, ये आपका बी है, बी से ए, ये आपका इसको ऐसे मिला देते हैं, रेडियस हो जाएगा। ये हमारा गिवन है 5 सेंटीमीटर और ये गिवन है 4 सेंटीमीटर। तो हमें फाइंड करना है रेडियस ऑफ द सर्किल। तो क्वेश्चन बहुत इजी है, एक दो नंबर में क्वेश्चन में आ जाता है। तो इसको देखेंगे, हमको लिखेंगे गिवन में क्या है, गिवन में लिखेंगे, गिवन हमको है अ सर्किल विद रेडियस विद सेंटर ओ, अ सर्किल विद सेंटर ओ, एक सर्किल है जिसका सेंटर ओ है। लेंथ ऑफ टेंजेंट मैं मान लेता हूँ, लेंथ ऑफ टेंजेंट ए बी, यहाँ पर लिखिए लेंथ ऑफ टेंजेंट ए बी 4 सेंटीमीटर गिवन है, और लेंथ ऑफ ओ ए, लेंथ ऑफ ओ ए इक्वल टू 5 सेंटीमीटर गिवन है, इतना मुझे गिवन है। हमें फाइंड करना है फाइंड कर रेडियस ओ बी, इसको हम लिख देंगे, रेडियस ओ बी को हमें फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। इसको हम सॉल्व करते हैं, सोल्यूशन भी करते हैं, ये हमारा सोल्यूशन है। सबसे पहले हमें पता है ये ओ बी हमारी है ए बी पर परपेंडिकुलर है, ओ बी परपेंडिकुलर ए बी क्यों है, क्योंकि हम जानते हैं कि टेंजेंट के कॉन्टेक्ट पॉइंट को सेंटर से मिलाने वाली जो लाइन होती है ओ ए, जिस ओ बी यहाँ पर जो है ये आपका टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है ऐसे, तो ओ बी परपेंडिकुलर ए बी है। हमने आपको ये थ्योरम बताया था, इसका नाम है थ्योरम 10.1, यहाँ पर लिख दीजिए बाई थ्योरम 10.1। इस तरह से ये कंप्लीट होता है। जब हमारे राइट एंगल ट्रेंगल है तो इसको हम लिखेंगे, इसका ये रिलेशन बनेगा, ये ओ ए आपका हाइपोटेनस है, कर्ण जिसे कहते हैं, परपेंडिकुलर ओ बी है जिसे लंब कहते हैं, और ए बी आपका आधार है जिसे हम बेस कहते हैं। तो इसमें रिलेशन आपका बनेगा ओ ए स्क्वायर इज्कवल टू ओ बी स्क्वायर प्लस बी ए या ए बी स्क्वायर। ये किस वजह से है, बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथा को मैं पी लिख दिया और गोरस थ्योरम को मैंने टी लिख दिया, बाई पाइथागोरस थ्योरम, इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे। वही हमारा गिवन है 5 सेंटीमीटर, यहाँ पर 5 स्क्वायर लिख दिए, ओ बी हमको फाइंड करना है, इसको हम ऐसे एजिट लिख देते हैं, प्लस ए बी हमारा 4 सेंटीमीटर, इसको स्क्वायर कर दें, इसको इधर लाएंगे तो ये 25 है, ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 5 का स्क्वायर 25 हुआ ही था, यहाँ 16 को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, ये ओ बी स्क्वायर ऐसे लिख देंगे, इसको माइनस करेंगे हमारा 9 आ जाएगा, तो ओ बी स्क्वायर हमारा आ जाएगा 9, देन ओ बी इक्वल टू हमें मिल गया, ओ बी इक्वल टू हमें मिल गया अंडर रूट 9, ओ बी इक्वल टू हमको मिल गया 3 सेंटीमीटर। तो प्लस माइनस 3 है इसलिए माइनस वाला सिंबल नहीं लेते हैं रेडियस में, इसमें प्लस मिलेंगे तो 3 सेंटीमीटर है। सो रेडियस इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ये क्वेश्चन कंप्लीट होता। क्वेश्चन नंबर 7, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। तो हमारा 2 कॉन्सेंट्रिक मतलब होता है एक ही सेंटर हो जिसका 2 सर्किल हो, जिसे कहते हैं संकेंद्रीय वृत्त, जिसे कहते हैं। सबसे पहले हम एक सर्किल
ऐसे बनाते हैं, ये हमारा एक सर्किल है और एक सर्किल इसी के ऊपर और बना लेते हैं, इसको ध्यान है हमारा, ये दोनों सर्किल का एक ही सेंटर है, सेंटर इसको ओ मान लेते हैं, ये हमारा सेंटर ओ है। उसके बाद क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्किल, हमें लार्जर सर्किल जो ये है इसका कॉर्ड फाइंड करना है, विच टचेज द स्मॉलर सर्किल, जो स्मॉलर सर्किल को टच करता है, इसका मतलब ये स्मॉलर टच को टच करते हुए इसका एक कॉर्ड मैंने खींच दिया, इसकी लेंथ मुझे फाइंड करना है। तो इसको हम मान लेते हैं ये हमारा पी है, ये हमारा क्यू है, और जो टचेस पॉइंट को चलो हम ए मान लिए, इसको ऐसे इसको ज्वाइन कर दिए, अब हमें फाइंड करना है। और कुछ गिवन है, टू कैसे जिसका रेडियस 5 है, तो इस बड़े वाले सर्किल का रेडियस 5 सेंटीमीटर है समझो, और इस छोटे वाले सर्किल का रेडियस आपका 3 सेंटीमीटर है। तो जो 3 सेंटीमीटर है उसको हम ऐसे छोड़ देते हैं, जैसे मतलब 3 सेंटीमीटर वाला ये हमारा इसका 3 सेंटीमीटर मान लेते हैं, इसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है। तो अब फाइंड करना है कॉर्ड, आपका पी क्यू फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले लिख देते हैं गिवन हमको क्या है, इसको लिख दें, गिवन में हम लिखेंगे टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स सर्कल्स लिखेंगे, CIRCLES विद सेम सेंटर, ये मुझे पता है, विद सेम सेंटर ओ लिख दें, आप फुल स्टॉप लगा दें, एंड आपको ओ ए आपको 3 सेंटीमीटर पता है, एंड ओ ए इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, एंड ओ बी ओ ओ पी ओ पी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर हमें ये गिवन है, दिया गया है। हमें फाइंड करना है, यहाँ पर लिख देंगे टू फाइंड में हम लिखेंगे लेंथ ऑफ द कॉर्ड मुझे फाइंड करना है, किसका पार्ट करना है, द लार्जर सर्किल का, हमें कॉर्ड फाइंड करना है किसका, द लार्जर सर्किल का, द ये लार्जर सर्किल जो बड़ा है इसी का कॉर्ड पी क्यू फाइंड करना, लार्जर सर्किल कॉर्ड का नाम हम लिख दें यहाँ पर सर्किल, यहाँ पर कॉर्ड लिख देते हैं पी क्यू, यहीं पर हमें पी क्यू लिखना है, द लेंथ ऑफ द कॉर्ड पी क्यू द लार्जर सर्किल, ये मुझे फाइंड करना है। तो अब हम इसको लिख दिए, अब हम यहाँ पर सोल्यूशन शुरू करेंगे, सोल्यूशन हम लिखेंगे, ये हमारा आपका सबसे पहला काम ये है, ओ ए जो है पी क्यू पर परपेंडिकुलर है, ओ ए परपेंडिकुलर पी क्यू, ये क्यों है, बाई थ्योरम 10.1 आपको बार बार बताते हैं कि ये किसी टेंजेंट पर सेंटर से एक मिलाने वाली जो रेखा जो कॉन्टेक्ट पॉइंट को ये परपेंडिकुलर होती है ऐसे। तो हम इसको लिख देंगे बाई थ्योरम 10.1 बाई थ्योरम 10.1 इसको हम लिख देंगे, ये हमारा रीजन हो गया, तजिए 10.1 है तो लिखेंगे, अब ये हमारा राइट एंगल बन गया ओ ए पी इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ ए पी, जब ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये राइट एंगल के सामने वाला जो हाइपोटेनस होता है इसे हम कहते हैं कर्ण, ये आपका ए ओ ये आपका लंब होता है इसे कहते हैं बे परपेंडिकुलर, और पी आपका बेस है इसको आधार कहते हैं। तो हमारा क्या होता है कर्ण का स्क्वायर अर्थात ओ पी का स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर मतलब लंब का स्क्वायर ओ ए स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर, ये आधार का स्क्वायर या इसे बेस का स्क्वायर कहते हैं। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, ओ पी का वैल्यू मुझे पता है 5 सेंटीमीटर 5 स्क्वायर, ओ ए मुझे फाइंड करना नहीं पता है ये भी 3 सेंटीमीटर इसको हम लिख देंगे, और हमको ये पूरा कॉर्ड पता करना है तो ए पी यदि मुझे फाइंड हो जाएगा पहले ए पी नहीं पता इसको हम लिख देंगे ऐसे इसको हम ये 25 है 5 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 होता है, यहाँ पर 3 स्क्वायर लिख दें 3 का स्क्वायर 9 इस तरफ लाएंगे इक्वल टू को तो -9 हो जाएगा, ये हमारा ए पी स्क्वायर यहाँ बचा। अब यहाँ पर हम सॉल्व कर लेंगे ए पी इक्वल टू हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 15 में से 9 की 16 होता है, ए पी स्क्वायर इतना आ गया
सो ए पी इज इक्वल टू अंडर रूट 16, तो अंडर रूट 16 मतलब 4 इंटू 4, तो ये हो जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर। प्लस माइनस 4 होगा लेकिन हम माइनस नहीं लेंगे, प्लस ही सेंटीमीटर लेंगे। ए पी की लेंथ हमको आ गई 4 सेंटीमीटर। इस तरह से ये कंप्लीट होता है। अब आगे देखते हैं, हम ये भी जानते हैं कि ए पी इज इक्वल टू पी क्यू होगा, ए पी इज इक्वल टू ए क्यू होगा। यहाँ पर हम लिखेंगे ए पी इज इक्वल टू ए क्यू। इसका रीजन हम लिख देते हैं। रीजन हमें पता है, सेंटर से ये टेंजेंट पर या कॉर्ड पर, सेंटर बड़े वाले सर्किल है, इसका सेंटर भी वो है, सेंटर से इस कॉर्ड पर मिलाने वाली जो रेखा होती है, ये परपेंडिकुलर जो लाइन होती है, इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है। तो इसका हम रीजन लिखेंगे परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर लंबवत, परपेंडिकुलर रेडियस, रेडियस जो है वो बाइसेक्ट करती है कॉर्ड को, रेडियस बाइसेक्ट द कॉर्ड, बाइसेक्ट द कॉर्ड। ये हमारा हुआ इसका रीजन ए पी इज इक्वल टू ए क्यू का। अब इसको हम आगे लिखेंगे, फिर हमको ये भी पता है कि पी क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, पी क्यू मुझे फाइंड करना, तो पी क्यू इज इक्वल टू होगा ए पी प्लस ए क्यू, जबकि हमें पता है ए पी ए क्यू बराबर है। तो यहाँ पर लिखेंगे पी क्यू इज इक्वल टू ए पी, इसे लिख लिए, ए क्यू की जगह पर भी हम, क्योंकि ए पी बराबर ए क्यू अर्थात ए पी की प्लेस पर हम या स्थान पर ए पी लिख सकते हैं। यहाँ पर लिख दीजिए ए पी, तो पी क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा टू ए पी, तो ए पी, तो पी क्यू इज इक्वल टू टू ए पी होगा। और जबकि हम जानते हैं यहाँ पर ए पी की वैल्यू मुझे 4 सेंटीमीटर मिल चुका है, तो पी क्यू इज इक्वल टू 2 इंटू 4 सेंटीमीटर। इस तरह से पी क्यू इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर हमारा आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन होता है, तो इसमें लिख देंगे लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज, यहाँ पर लिखेंगे लेंथ ऑफ द कॉर्ड, क्या नाम है, पी क्यू इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। फिर भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और यदि ये वीडियो आपको अच्छे समझ में आई हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।